पर लोथल जैसे व्यापारिक केंद्रों ने भी एक समय में भारत की समृद्धि के अध्याय लिखे। लखपत में गुरु नानक देव जी की चरण रज है, कच्छ का कोटेश्वर महादेव मंदिर हो, माता आशापुरा का मंदिर हो, काला डूंगर पहाड़ी पर भगवान दत्तात्रेय का साक्षात दर्शन होता हो, या फिर कच्छ का रण उत्सव या सर क्रिक को देखने का उत्साह, कच्छ के एक जिले में ही पर्यटन का इतना पोटेंशियल है कि टूरिस्ट को पूरा हफ्ता भी कम पड़ जाए। उत्तर गुजरात की सीमा पर नड़ाबेट में हमने देखा है कि कैसे बॉर्डर टूरिज्म लोगों में छाया हुआ है। हमें ऐसी ही हर संभावना को साकार करना है। जब ऐसे स्थानों पर देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक आते हैं, वो भारत के वो दो हिस्से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। वो पर्यटक अपने साथ राष्ट्रीय एकता का प्रवाह लेकर आता है और राष्ट्रीय एकता की ऊर्जा लेकर जाता है। और यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जीवंत कर देता है, अपने क्षेत्र में जाकर के भी कर देता है। यही भावना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार करती है। इसलिए कच्छ और दूसरे सीमावर्ती इलाकों को हमें विकास के नए मुकाम तक लेकर जाना है। जब हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकसित होंगे, वहां सुविधाएं होंगी, तो इससे यहां तैनात हमारे जवानों का लाइफ एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। साथियों, हमारा राष्ट्र जीवंत चेतना है, जिसे हम मां भारती के रूप में पूजते हैं। हमारे जवानों के तप और त्याग के कारण ही आज देश सुरक्षित है, देशवासी सुरक्षित है। सुरक्षित राष्ट्र ही प्रगति कर सकते हैं। इसलिए आज जब हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसमें आप सब इस स्वप्न के रक्षक है। आज हर देशवासी अपना 100% देकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रहा है, क्योंकि उसे आप पर भरोसा है। मुझे विश्वास है आपका यह शौर्य इसी तरह भारत के विकास को बल देता रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत।